dear students, I am Vaishali, your language trainer. Welcome to my YouTube channel, New Urban Computer Classes. तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी जितनी भी नई नई वीडियो अपलोड हो रही है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम जानेंगे कि अक्सर लोग हमसे इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं कि तुम अपने हेल्थ के वास्ते क्या करते हो, या फिर पूछना है कि तुम अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो, एंजॉय के वास्ते क्या करते हो। ठीक है, तो हम इस तरह से जो क्वेश्चन हम करते हैं उसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, और अगर कोई हमसे ये क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ रहा है तो हम उसका आंसर कैसे देंगे। तो ये क्वेश्चन और आंसर आज की हम इस क्लास में सीखेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारा क्वेश्चन जो है इस प्रकार से, व्हाट डू यू डू फॉर द सेक ऑफ हेल्थ। व्हाट डू यू डू फॉर द सेक ऑफ हेल्थ, मतलब तुम अपने हेल्थ के वास्ते क्या करते हो। यहाँ जो है फॉर द सेक ऑफ, इसका पूरे का मीन्स आ रहा है किसी उस चीज के वास्ते क्या करते हैं हम। देखो, व्हाट डू यू डू फॉर द सेक ऑफ हेल्थ, यहाँ हमने अपने लास्ट वीडियो में पिज्जा की डेफिनेट की सेंटेंस सीखे थे, लाइफ टाइम के जो सेंटेंस थे उसी से ही रिलेटेड हमने ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू फॉर द सेक ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ के वास्ते आप क्या करते हो, उसी से रिलेटेड है, तभी हमने यहाँ पे डू का यूज करा है। देखिए, व्हाट डू यू डू फॉर द सेक ऑफ हेल्थ इस तरह से बोल दीजिए, या हम इस तरह से बोल सकते हैं, व्हाट डू यू डू फॉर नॉलेज से। ठीक है, यहाँ मैंने नॉलेज दिखाई दी थी, हेल्थ है, हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। ठीक है, व्हाट डू यू डू फॉर हेल्थ से बोल दीजिए। अगर सपोज आपको नॉलेज के बारे में पूछना है तो व्हाट डू यू डू फॉर नॉलेज से, हेल्थ के बारे में पूछना है तो व्हाट डू यू डू फॉर हेल्थ से, इस तरह से बोल लीजिए, या फिर आप ऐसे बोल लीजिए, व्हाट डू यू डू फॉर द सेक ऑफ हेल्थ। ओके, अब देखिएगा हम इसका आंसर कैसे देंगे। सपोज इट आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट डू यू डू फॉर द सेक ऑफ हेल्थ, मतलब आप हेल्थ के वास्ते क्या करते हो, तो आपको जो एक्शन आंसर देना है वो बहुत ही नॉर्मल देना है, आई एक्शन में आपको आंसर देना है। आई एक्शन करके हमने अपना डेली शेड्यूल बनाया था और आई एक्शन करके हमने अपने लाइफ टाइम के सेंटेंस सीखे थे, तो आई एक्शन से ही हमें आज इसका क्वेश्चन का आंसर भी आई एक्शन के थ्रू ही बनाना है। तो देखिएगा एग्जाम्पल जो है, व्हाट डू यू डू फॉर द सेक ऑफ हेल्थ, आंसर इसका आई टेक ग्रीन टी। आप हेल्थ के वास्ते क्या करते हो, हेल्थ के वास्ते हम क्या करते हैं, अच्छी अच्छी चीज भी करते हैं। देखो, आई टेक ग्रीन टी पीती हूँ या पीता हूँ, एंड आई डू एक्सरसाइज, और मैं एक्सरसाइज करता हूँ, आई डू एक्सरसाइज डेली, प्रतिदिन करता हूँ, एंड आई गो टू जिम, मैं जिम जाता हूँ, या आई टेक फ्रेश फूड्स, और मैं ताजे फल खाती हूँ, एंड ग्रीन वेजिटेबल्स और हरी सब्जियां, एंड आई टेक मिल्क इन एवरी नाइट फॉर द सेक ऑफ हेल्थ। हमें यहाँ पर जितना भी हम हेल्थ के वास्ते करते हैं वो सभी हम आई एक्शन करके बोल देंगे, आई एक्शन और कहीं कहीं से हम एन का यूज कर देंगे। देखो, आई टेक ग्रीन टी एंड आई डू एक्सरसाइज डेली, मैं ग्रीन टी पीती हूँ और प्रतिदिन एक्सरसाइज भी करती हूँ, यानी व्यायाम करती हूँ। ठीक है, आई गो टू जिम, जिम जाते हैं हम, आई टेक फ्रेश फ्रूट्स, ताजे फल खाते हैं, एंड ग्रीन वेजिटेबल्स और हरी सब्जियां खाते हैं, एंड आई टेक मिल्क इन एवरी नाइट। अब यहाँ तक तो मैंने इतना लिख दिया, आप इसके अगर कुछ और भी करते हैं हेल्थ के वास्ते तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, एंड जितने भी आपकी एक्शन है उन सबको बोलने के बाद, सपोज इट आपके यहाँ एक्शन लास्ट हो गए, आप इतना ही कुछ करते हो तो आप बोल देंगे एवरी नाइट फॉर द सेक ऑफ हेल्थ। लास्ट में जो हम बोल देंगे आंसर हमारा पूरा हो जाएगा, फिर अपने क्वेश्चन में से क्वेश्चन पार्ट बोल देंगे, हमारा क्वेश्चन पार्ट है फॉर द सेक ऑफ हेल्थ, हम इसमें ऐड कर देंगे, जितना भी हम करते हैं उसके वास्ते इतना बोल देंगे, उसके बाद आई एक्शन करके, और जितना हमारा क्वेश्चन पार्ट है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, फॉर द सेक ऑफ हेल्थ, यानी ये सब हमने करा तो ये हम हेल्थ के वास्ते करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम हेल्थ की जगह क्या क्या ऐड कर सकते हैं, फन, रिक्रिएशन या एंटरटेनमेंट, तीनों का जो हमारा हिंदी में मतलब है वो सेम ही है। फन मीन्स भी आनंद होता है, रिक्रिएशन मीन्स एंटरटेनमेंट मीन्स भी मनोरंजन होता है, वही हम इन तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, आंसर इन तीनों का एक ही देना है आपको। क्वेश्चन हमारा तीन तरह से बन सकता है, व्हाट डू यू डू फॉर द सेक ऑफ फन, व्हाट डू यू डू फॉर द सेक ऑफ रिक्रिएशन,
What do we do for the sake of entertainment? इन तीनों का आंसर आप एक ही जैसे देंगे, जैसे कि आई वॉच टीवी एंड आई लिसन टू सॉन्ग एंड आई सिंग टू सिंग अ सॉन्ग एंड आई प्ले मैच क्रिकेट हॉकी एंड आई रीड स्टोरी बुक्स फॉर द सेक ऑफ फन, फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट या फॉर द सेक ऑफ रिक्रिएशन। लाइक इज आप इसको पूरा कर देंगे। अब देखिए हम बोल सकते हैं व्हाट डू यू डू फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, आप सोसाइटी के वास्ते क्या करते हो, या व्हाट डू यू डू फॉर द सेक ऑफ फिटनेस, या व्हाट डू यू डू फॉर द सेक ऑफ करियर, व्हाट डू यू डू फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर के वास्ते क्या करते हो, व्हाट डू यू डू फॉर द सेक ऑफ फ्लुएंसी, अपनी फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए आप क्या क्या करते हो। लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैंने एक और दिखाया था सोसाइटी के वास्ते आप क्या करते हो। देखिए सोसाइटी के वास्ते सपोज आई हेल्प द पुअर पर्सन, मैं गरीबों की मदद करती हूँ, आई हेल्प द पुअर पर्सन एंड आई गिव चैरिटी और मैं दान देती हूँ, एंड आई गिव द फूड हंगर और मैं भूखे लोगों को खाना देती हूँ, हंगर पर्सन कर दीजिए, आई टीच पुअर स्टूडेंट्स विदाउट फीस और मैं गरीब विद्यार्थियों को बिना फीस के पढ़ाती हूँ फॉर द सेक ऑफ हेल्थ। ये सब हम सॉरी हेल्थ नहीं है सोसाइटी है, फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, ये हम समाज के वास्ते करते हैं। ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने दो दिए थे कि ये हेल्थ के वास्ते बोला है और यहाँ हमने सोसाइटी के वास्ते करा है। यहाँ पर आप जितनी भी जो भी एक्शन करते हैं वो सब ऐड करने के बाद जब आपका एक्शन एंड हो जाए वहाँ आप अपना थोड़ा सा क्वेश्चन पार्ट रख देंगे। क्वेश्चन पार्ट रखना जरूरी है फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, तभी वो हमारे आप क्वेश्चन का आंसर कम्प्लीट होगा। इस तरह से आप ना हेल्थ भी जुड़ा इन सब चीज को ऐड कर सकते हैं, फन है, रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट, एंजॉय, फ्लुएंसी, फ्यूचर, करियर, फिटनेस, सोसाइटी, और आप इन सब का आंसर भी अलग अलग लिखें। तो आज से आप इस तरह से क्वेश्चन सभी से जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप हिंदी में ना पूछकर इंग्लिश में पूछिए, और अगर आपसे कोई इंग्लिश में पूछ रहा है तो आप भी आज उसका आंसर इंग्लिश में ही बोले। तो आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।